आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो कि आज पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उसका नाम है हेलेन केलर। वो जब छोटी थी तब से डेफ ब्लाइंड थी, यानी कि ना ही कुछ उसे सुनाई देता था और ना ही वो कुछ देख पाती थी। लेकिन ऐसा होने की वजह से वो कोने में छुप के बैठने वालों में से नहीं थी। उसके अंदर एक आग थी कुछ करने की, कुछ नया सीखने की, जिस वजह से वो आज सबके लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन बन गई है। उसके पास दो ऐसी मेन चीजें नहीं थी जो हर कोई नॉर्मल इंसान के पास होती है, लेकिन हेलेन ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हेलेन के पास ऐसी और एक चीज थी जिसके ऊपर वो काम करके थोड़ा बहुत आसानी से समझ सकती थी, और वो था उसका सेंस ऑफ टच। तो उसके बारे में और भी कई ऐसी बेहतरीन बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपको अंदर से फील होगा कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी आलस करने से हमारे पास आज कुछ भी नहीं है। आप समझोगे कि अगर आप कुछ सोचने की क्षमता रखते हैं तो उसको पूरा करने की ताकत भी रखते हैं, लेकिन उसको पूरा कैसे करें वही चीज आपको पता लगानी होती है। मैं आपको बता दूं कि हेलेन का जन्म तो एक हेल्थी बच्चे की तरह ही हुआ था, लेकिन जब वो 19 महीने की हुई तब वो कुछ बीमार पड़ी। डॉक्टर सही से पता नहीं लगा पाए कि वो उसे क्या हुआ है। तब से हेलेन ना सुन पाती थी और ना ही कुछ देख पाती थी। जब हेलेन 6 साल की थी तब उनके कॉन्टेक्ट में आई उनकी टीचर एन सेलेवन, जिसके बाद हेलेन की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। बल्कि हेलेन तो ये मानती थी कि मेरी सक्सेस में जितना रोल मेरा है उतना ही रोल मेरी टीचर एन सेलेवन का है। हेलेन के अंदर का जो नेवर गिव का एटीट्यूड था वो सिर्फ और सिर्फ आया था एन सेलेवन की वजह से। सबसे बड़ा चैलेंज हेलेन और एन के बीच में ये था कि कैसे वो एक दूसरे से बात कर पाए, कैसे एन हेलेन को बता सके कि इस चीज को डॉल कहते हैं, इस चीज को वाटर कहते हैं और इस चीज को टेबल कहते हैं। उस वक्त हेलेन की मदर ने एन से पूछा कि ये चीज आप कैसे करोगे, तो एन ने कहा कि मैं नहीं जानती कि यह कैसे होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि होगा जरूर। एक वक्त ऐसा आएगा कि हेलेन को सब कुछ पता चल जाएगा, और ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। और हेलेन की बड़ी मेहनत और प्रैक्टिस की वजह से वो अपना पहला शब्द बोल पाई और वो था वाटर। एन कहती थी कि यह एक बहुत ही मुश्किल भरा काम था उसके लिए कि हेलेन को कैसे बता पाए इस नेचर की चीजों के बारे में, क्योंकि वो कैसे एनवायरमेंट में रह रही है उसे वह यह जानना बहुत ही जरूरी था। हेलेन एक ही चीज को कई बार प्रैक्टिस करती थी। एन वर्ड्स के स्पेलिंग को उसके हाथ में लिखती थी और हेलेन ठीक उसी तरह उसका जवाब देती थी। धीरे धीरे हेलेन सबके मुंह पे हाथ रख के वो क्या बोल रहे हैं उसके लिपसिंग से समझने लगी थी। उसके बाद कभी भी उसकी जिंदगी में हेलेन ने पीछे मुड़के नहीं देखा। वो हर वक्त कुछ ना कुछ चीजें एन को पूछा करती थी और एन उसे सिखाती चली गई। दोस्तों, यहाँ पे आप स्टोरी में देख सकते हो कि एन ने कभी भी हेलेन का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ पे सिर्फ हेलेन की नहीं, एन और हेलेन की स्टोरी है, उसके रिलेशनशिप और उसकी दोस्ती की कहानी भी है। इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलेगा कि इम्पॉसिबल कुछ ही नहीं होता इस दुनिया में। और सिर्फ यही बात नहीं, हम ये भी सीख सकते हैं कि एक रिलेशनशिप क्या होती है और एक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है। हेलेन धीरे धीरे उसकी लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते सीखते आगे बढ़ती चली गई। कई मुश्किलें आई उसकी जिंदगी में, क्योंकि वो बाहर जहाँ पे जाती थी वहाँ नॉर्मल लोगों के साथ उसको रहना पड़ता था। उस सिचुएशन को समझना और आगे बढ़ पाना बहुत ही कठिन था उसके लिए, लेकिन हेलेन के नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड ने उसको इस काम को करने के लिए पावर दिया और एक पहली ऐसी इंसान बनी जिसने डेफ ब्लाइंड होकर भी ग्रेजुएशन किया बैचलर ऑफ आर्ट्स में। हेलेन यहाँ पर रुकी नहीं, ये तो सिर्फ उसकी शुरुआत थी। उसने पढ़ने और बोलने के साथ साथ लिखना भी शुरू कर दिया। उसने कई बुक्स लिखी और उनमें से सबसे पॉपुलर है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो कि उनकी बायोग्राफी है। उसने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया एज अ लेक्चरर। हेलेन ना सिर्फ एक ग्रेजुएट थी बल्कि एक ऑथर और लेक्चरर भी थी। ये थी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट। दोस्तों, हेलेन भी कई बार उसकी जिंदगी में डिप्रेस हुई होगी, पर वो जो सीखती थी उसे फील करती थी, उसे एंजॉय करती थी और आगे बढ़ती थी। अपने वीकनेसेस को साइड में रखकर कैसे अपने आप को और बेहतर बनाए यही सोचती थी, जिसकी वजह से वो आज सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है। दोस्तों, एक डेफ ब्लाइंड इंसान जिसकी लाइफ में अंधेरे के अलावा दूसरा कुछ नहीं था, फिर भी वो हर दिन कुछ नया सीखने की चाहत रखती थी। तो हम सब तो एक नॉर्मल इंसान है, आपके भी जरूर कुछ ना कुछ सपने रहे होंगे। तो ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है? हेलेन केलर की इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, जिसकी वजह से आप दिन ब दिन बेहतर होते चले जाएंगे।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हेलन केलर के बारे में और भी जानना है तो आप हॉलीवुड की मूवी द मिरेकल वर्कर देख सकते हो, जो फुल्ली हेलन केलर की स्टोरी के ऊपर है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही एनर्जेटिक और इंस्पिरेशनल स्टोरी को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फैमिली के साथ शेयर करें। मैं प्रदीप, चलिए साथ मिलकर सच्चाई को अनलॉक करते हैं। धन्यवाद।